मैं पाली फाइल मेरी है आप लोगों घटना के बारे में बताएंगे कि जनपद सीतापुर और विकास खंड रेवसा के क्षेत्र रेवसा मार्ग बहराइच हाईवे जो शेखनपुरवा निकट एक तालाब में एक ट्रक आमंत्रित होकर पलट गया और इसमें जो भरा हुआ है वो धान की पालिस बताई जा रही है। इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे अभी हम इस ट्रक के चालक से कि कोई दुर्घटना तो नहीं घटी है। आप लोग देख सकते हैं कि तस्वीर के माध्यम से कि किस तरह ये धान की पालिस पानी में बोरियां जो तैर रही हैं और लोग उसको निकाल रहे हैं। आप लोगों को तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये BRC निकट रेवसा की तस्वीर है। ये गाड़ी नंबर UP 17 AT 3735 आप लोग देख सकते हैं, ये गाड़ी नंबर है। अरे कम है तो कर दे ले 80,000 10-12,000 रुपए ली कहां 80,000 ट्रक पलट जा रहा है। ये मजदूर हैं जो बोरी निकालने का कार्य कर रहे हैं, इनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं। भैया थोड़ा इधर देखो, आप आपका नाम क्या है? आप पिता का कहाँ रहते हैं जी? कनकारी में। कनकारी रहते हैं? अच्छा अच्छा ये जो ट्रक पलटा तो कैसे पलटा है? ये इसकी इतना नहीं पता, लेकिन सुबह 5 बजे पलट गया है जी। बताइए भैया कैसे पलट गया है ट्रक? ये ग्रामीण से जानकारी ली गई तो यहाँ पे जो गाड़ी चालक है और के जो सेल्फर था उसमें से बताया गया कि कोई हादसा नहीं घटा है, नहीं कोई घटना घटी है और कोई प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आई हैं। पर इसमें जो पालिश जो धान की पालिश थी उसको पलट गया और उसको निकालने का कार्य किया जा रहा है। जो इसके मजदूर हैं बताया था कनकारी और पंडितपुरवा के बताया जा रहे हैं। ये जब उनसे बात किया गया तो बताया कि सुबह 5 बजे ट्रक आमंत्रित होकर पलट गया है। और ये भी तस्वीर है जो रेवसा के क्षेत्र हाईवे बहराइच मार्ग पे BRC के जस्ट तालाब में पलटा है, BRC से निकट। ये तस्वीर है आप लोगों को दिखा रहे हैं। क्या भरा था? पालिस। पालिस किस चीज़ की पालिस थी? धान की। धान की पालिस थी। अच्छा अच्छा।